हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद, आप देख रहे हैं फुल ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2019 और 2020 में IRCTC वेबसाइट और ऐप के ऊपर बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए। ये बदलाव इस वजह से किए गए ताकि तत्काल टिकट को लेकर के जो धोखाधड़ी जो सॉफ्टवेयर चल रहे थे उनको रोका जा सके। इसकी चर्चा लोकसभा में भी की गई। हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 9 पॉइंट बताया, इसमें से बहुत से पॉइंट की बातें तो मुझे भी नहीं पता थी। 9 पॉइंट बताया कि क्या क्या बदलाव किए गए IRCTC के ऊपर, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, आपको कुछ जानकारी मिलेगी और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात करेंगे उन 9 पॉइंट की जिनकी चर्चा लोकसभा में हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने की। यहां पर आप देख सकते हैं कि 9 पॉइंट की चर्चा की, जिनमें से कई पॉइंट मुझे पता भी नहीं थे और कई पॉइंट मुझे पता भी थे। तो चलिए आपको 9 पॉइंट बता देते हैं, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से पॉइंट इसमें आपको नहीं पता थे। यहाँ पर सबसे पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट जो सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक एक यूज़र केवल 2 तत्काल टिकट ही बुक कर सकता है। आपको नहीं पता हो तो आपको बता देता हूँ कि एक यूज़र 10 से 12 बजे के बीच में केवल 2 तत्काल टिकट बुक कर सकता है। यहाँ पर दूसरा ये बदलाव किया गया था कि तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में रैंडम सिक्योरिटी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपका तीसरा जो पॉइंट था, रिटेल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एजेंट्स के लिए एक दिन में एक ट्रेन में एक ही टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिटेल यानी कि जो ऑथराइज एजेंट होते हैं उनके बारे में बताया गया था। और यहाँ पर ये बताया गया था कि एक मोबाइल नंबर से और एक ईमेल आईडी से केवल एक ही यूज़र आईडी यानी कि एक ही IRCTC यूज़र आईडी बनाई जा सकती है। 1 महीने में 6 टिकट आप उस यूज़र आईडी से बुक कर सकते हैं IRCTC के। अगर आप आधार कार्ड उससे लिंक कराते हैं यूज़र आईडी से, IRCTC यूज़र आईडी से लिंक कराते हैं, तो आप 1 महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर जो छठा पॉइंट बताया गया था, एक लॉगिन सेशन में एक ही टिकट बुक किया जा सकता है। यह प्रतिबंध सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी, हो सकता है बहुत लोगों को ना हो। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक अगर आप IRCTC से 2 या 3 टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको बार बार लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, तो ही आप टिकट बुक कर पाएंगे, वरना नहीं बुक कर पाएंगे। और यहाँ पर सातवा जो पॉइंट था, यूज़र से 3 बार कैप्चा पूछा जाएगा। एक बार यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम, IRCTC यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम, दूसरे टाइम पूछा जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे और तीसरी टाइम पूछा जाएगा जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे। और ये रहा 8वां पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़र द्वारा टिकट बुक करने के लिए मिनिमम टाइम पर भी रेलवे की नज़र रहेगी, यानी कि 2 मिनट के अंदर जो तत्काल टिकट बुक हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रहेगी रेलवे की। हो सकता है उनसे कॉल करके उनका यूज़र आईडी सारी डिटेल ली जाए, अगर डिटेल आप गलत बताते हैं तो आपका टिकट सीज कर दिया जाएगा, यूज़र आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा में भी इसकी चर्चा की गई। अब 9वां पॉइंट आप देख सकते हैं, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले 15 मिनट में IRCTC ने एजेंट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी कि अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, एजेंट हैं, तो आपको 15 मिनट बाद ही टाइम दिया जाएगा तत्काल टिकट बुक करने का। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन कौन सी बातें आपको नहीं पता थी, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।